आगे देखिए, कल ऑक्टेटिव सेंटेंसेस किए थे हमने, वो समझ में आ गए आपकी? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, प्लीज स्टॉप इट नाउ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी ऐसे फिकरात जिनमें ताजुब, ताजुब मींस हैरानी, ताजुब खुशी, दुख और जोश व खरोश का इजहार किया गया हो जी, हां जी, रेग्रेट यही अफसोस दुख का इजहार किया गया हो, तो ऐसे फिकरात में रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे फिकरात में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद वंडर, अगर हैरानी हो तो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो में बदल जाएगा। कॉमास को खत्म करके उनकी जगह दैट आएगा। इंटरजेक्शन जो कि रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हो रहा होगा, इंटरजेक्शन यानी ऐसे अल्फाज, इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसे अल्फाज, हां जी क्या जी, हां ऐसे अल्फाज जिनसे आपके जज्बात का इजहार किया गया हो, ऐसे अल्फाज जो किसी के जज्बात का इजहार कर रहे हो, यानी अलास, हुर्रा, उफ, ब्रेवो, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे और फिकरा स्टेटिव मूड में लिखा जाएगा तमाम तर तब्दीलियों के साथ, फिकरा स्टेटिव मूड में लिखा जाएगा तमाम तर तब्दीलियों के साथ, क्लियर। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब यूं आएगा, एक्सक्लेम प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विद प्लस वंडर, सॉरो या जॉय। क्लियर हुई जी बात? अब लिखिए, मसलन शी सेड टू मी, कॉमास, शी सेड टू मी कॉमास, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज इट, जी, दैट दैट इट वॉज,
इसको वाज में नहीं बदलेंगे, दैट दैट वाज अ ब्यूटीफुल वर्ड। बात समझ में आ गई? चलिए और निकलें। आई सेड, आई सेड, हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग इज द सीनरी ऑफ कश्मीर, हाउ चार्मिंग इज द सीनरी ऑफ कश्मीर। दैट के बाद क्या बताया? दैट द सीनरी ऑफ कश्मीर, इसे स्टेटिव बनाना है ना आपने, सब्जेक्ट पहले लाना। द सीनरी ऑफ कश्मीर वॉज वेरी, वेरी का इजाफा चाहे तो कर ले, चाहे तो ना करे। द सीनरी ऑफ कश्मीर वॉज चार्मिंग। आगे देखिए, द गर्ल सेड टू हर सिस्टर, द गर्ल सेड टू हर सिस्टर कॉमास, अलास आई हैव लॉस्ट माई सी एस एस एग्जामिनेशन, आई हैव लॉस्ट My CSS examination. Has that she had lost her CSS examination. That she had lost her CSS examination. Clear? Clear the? You got the point? Yes, but आगे चले, आगे चले, चले। अब अगला रूल लिखें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या पास्ट सब्जंक्टिव मूड हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या पास्ट सब्जंक्टिव मूड हो, तो ऐसे में टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी। यूं ना लिखे, आप लिखे ऐसे में सब्जंक्टिव मूड में टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी। सब्जंक्टिव मूड वाले फिक्रे में टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि बाकी फिक्रा अपनी तमाम तब्दीलियों के साथ आएगा। मसलन, ही सेड कॉमास, आई वॉन्ट दैट you come here, I want that you come here। ठीक है जी, अब इसको कैसे हम लिखेंगे? He said that, she said that, he था ये she, he said that he wanted, यहां ये जो he wants है ना, ये subjunctive mood नहीं है,
that he wanted that she है ना, she come here, यानी यहां पे आपने came नहीं लिखना। अहम बात यह है कि ये वाला कम केम में नहीं बदलेगा, इसलिए नहीं बदलेगा कि टेंस की तब्दीली होती है, मूड की तब्दीली नहीं होती। क्लियर? नरेशन में टेंस की तब्दीली होती है, मूड की तब्दीली नहीं होती। यू गॉट द पॉइंट? गॉट? और लिखें, the mother said I wish that my daughter be a doctor, I wish that my daughter be a doctor, बनाए इसे। जी, द मदर सेड दैट शी विश्ड दैट हर डॉटर बी अ डॉक्टर। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आगे देखिए, एक फिकला और। आई सेड I wish I were a rich person. वाजवार तो हेड बीन में बदलता है, इकरा बदलेगा नहीं, ये मूड है, यहां हेड बीन में नहीं बदलेगा वर। क्लियर? यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मूड है, यहां नहीं बदलेगा। यू गॉट द पॉइंट?